वेलकम टू बंका यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत पेचीदा भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आपको मशीन की परचेज कहां से करनी चाहिए, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट से या फिर आपके नजदीक बैठे हुए किसी डीलर से। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आप ये आसानी से तय कर पाएंगे कि हमें मशीन कहां से लेना चाहिए। देखिए, चार पांच सालों से एक ट्रेंड चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एमआई करके एक कंपनी है जो मोबाइल बेचती है। उस कंपनी ने इंडिया का मार्केट कवर करने के लिए अपने होलसेलर, स्टॉकिस्ट, डीलर या फिर रिटेलर जैसे सभी लोगों को हटा दिया। अपने प्रोडक्ट्स उसने सीधे कस्टमर के एंड पे बेचे। बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब कंपनियां भी आपको प्रोवाइड करती है सभी मटेरियल सीधे मैन्युफैक्चर से आपके हाथों में। ये एक तरह से इतना सस्ता हो जाता है कि आप अपना बहुत सारा पैसा यहां बचा लेते हैं। स्टॉकिस्ट जो आपके माल के लिए स्टॉक रखता है उसको भी कोई खर्चा होता है, जगह का रेंट देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे खर्चों की वजह से ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचते हुए महंगी हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको बात करूंगा कि मशीन को आप कैसे परचेज करें और कैसे वेरीफाई करें उस मैन्युफैक्चरर को कि जो मैन्युफैक्चरर आपसे सही तरह डील करेगा और उसका प्रोडक्ट भी परफॉर्म करेगा। सबसे पहले तो उसकी व्यापकता चेक कीजिए, वो कहां तक पहुंचा हुआ है। तो आप अगर उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसका कस्टमर लिस्ट उससे मांगेंगे या उसे आप कहेंगे कि मेरे आसपास का जहां ये मशीनें उसने सप्लाई की हुई है ऐसा कोई नाम बताया और वहां आप कॉन्टेक्ट कीजिए। उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि उसकी व्यापकता कितनी है, वो कितने बड़े पैमाने पे काम करता है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो उस मैन्युफैक्चर के बारे में उसके गूगल मैप में जो रिव्यूज होते हैं, जो गूगल पे उसके रिव्यूज होते हैं, उसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी आदमी जो 1-2 लाख रुपए का मशीन लेता है उसके बाद वो मशीन अगर परफॉर्म नहीं करती है तो वो अपना रिव्यू गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जरूर डालेगा। आप गूगल पे और फेसबुक के कुछ रिव्यूज को देख के ये आसानी से तय कर पाएंगे कि ये सेलर, ये डीलर, ये मैन्युफैक्चरर अपने पुराने कस्टमरों के साथ कैसे बिहेव करता है। और एक बात है, कस्टमर की आप कस्टमर है, आप किसी मशीन को परचेज करने से पहले उसकी मैनुअल बुक उससे मंगवा लें। मैनुअल बुक मंगवाने से आपको उसकी डिजाइन, उसके इंस्टॉलेशन, उसके प्री मेंटेनेंस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो जैसे ही आप मैनुअल बुक मंगवाते हैं उसकी वर्कमैनशिप के बारे में कुछ आइडिया आपको आ जाए। उसके बाद है आप उस मैन्युफैक्चरर से जो आपकी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड फोटोज मंगवाएं। व्हाट्सएप पे आप अगर उसे कहेंगे कि मुझे आपका वर्कशॉप का एक फोटो शेयर करो, अगर वो वर्कशॉप आपको मशीनों से भरा पड़ा दिखाई देता तो आप समझ जाएंगे कि इस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट फास्ट मूविंग, ये चल रहा है। अगर उसका
फ्लोर खाली दिखाई देगा। उस हालत में आप समझ जाएंगे कि उसका फ्लोर छोटा है या खाली है, उसका मतलब ये प्रोडक्ट फास्ट मूविंग नहीं है। आप कस्टमर से उसके सॉरी आप मैन्युफैक्चरर से उसके पुराने कस्टमरों के साथ उसकी फोटो या उसकी मशीन के साथ उसकी फोटो, अगर वो कस्टमर के फ्लोर पे मशीनों को इंस्टॉल करने जाता है तो वहां से इंस्टॉल की हुई मशीनों की फोटो भी लाता होगा। तो उस मैन्युफैक्चरर से आप कस्टमर के फ्लोर पे चल रही हुई मशीनों के फोटो भी मांग सकते हैं। इस तरह से आप मैन्युफैक्चरर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और आप अपनी लोकल लैंग्वेज में आपके आसपास उसी मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई किए हुए मशीन के बारे में लोकल लैंग्वेज में बात कर लीजिए। उसके बाद आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से जुड़िए। लेकिन किसी डीलर के साथ आप अगर जाते हैं और जुड़ते हैं तो ये आपके पैसे ज्यादा खर्च करने का डिसीजन होगा। तो ये था आज का वीडियो मेरा आपसे, किस तरह से हम परचेज करें मशीनों को और अच्छी मशीन पर परचेज करेंगे और कैसे हम अपने पैसे भी सेव करेंगे। अगर आपको लगता है मेरी कुछ बातों की वजह से आपका फायदा हो रहा है या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको नॉलेज बढ़ा रहा है, उस हालत में आप हमें लाइक का बटन दबा के जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू।